गोरखपुर में 1 जून को मतदान है और जो प्रत्याशी हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रखे हैं। इस वक्त मैं विश्वविद्यालय के सामने एक लिट्टी चोखे की दुकान पे खड़ा हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे जो लिट्टी है वो बनाने की प्रक्रिया चल रही है, आग सुलगी हुई है और जो ग्राहक हैं वो आके यहाँ पे लिट्टी चोखे का आनंद ले रहे हैं। क्यों भाई, बिक रहा है? हाँ बिक रहा है, हाँ बिक रहा है, बिक्री है ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक है। बेच रहे हो तो चुनावी चर्चा भी खूब होती होगी। चुनावी चर्चा क्या हम बताएं, चुनावी चर्चा हम क्या होता है? नहीं नहीं, यहाँ लोग करते होंगे तो क्या करते हैं? चुनावी चर्चा करते हैं, यहाँ लोग आते हैं खा के चले जाते हैं। अपना बिक्री ठीक है, बिक्री यहाँ चलती है। तो तुम अपना बताओ कहाँ है? हम कहाँ बताएं, हम कहाँ है तुम्हारे मन में? कुछ हमारे मन में कुछ नहीं, वही है जिसकी मुद्दे वोट वही जीतेगा। अरे कौन जीतेगा बताओ तो? विकास के मुद्दे पे, विकास जिसका बेहतर है वो जीतेगा। अच्छा, विकास के मुद्दे पे ही है? हाँ विकास है, रोजगार है। कौन दिया विकास? अरे विकास तो अब दिख ही रहा है लोग, कौन दिया विकास? अच्छा जो दिख रहा है वही जाना है। भाई विकास हुआ क्या? विकास तो हुआ ही, जो दिख रहा है वही वही जाना है का? तो लिट्टी चौके की ये दुकान है और लिट्टी लग रही है, लोग आनंद भी ले रहे हैं। क्या हो रहा है इस बार? इस बार मामला टाइट है। टाइट है? हाँ। अच्छा हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। गोरखपुर में तो विकास वाकई में हुआ है, इसमें नो डाउट है, लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति काफ़ी नाराजगी है। तो नुकसान होगा क्या? जरूर कुछ तो नुकसान इस बार उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। नुकसान उठाना पड़ सकता है लोगों को, क्यों दादा? हाँ क्या माहौल है? माहौल ठीक है सर जी, विकास पे वोट दिया जाएगा। तो विकास हुआ? जी बहुत विकास हुआ गोरखपुर का। कौन किया? माननीय योगी आदित्यनाथ किए, जो यहाँ के जो है सांसद रहे 5 बार, तो उन्हीं साथ हैं मुख्यमंत्री, हम लोग सब उन्हीं के साथ हैं। तो रवि किशन? रवि किशन तो उनका एक चेहरा है, उनके वहाँ चेहरा। जी जी, विकास के नाम, विकास के नाम पर ही वोट दिया जाएगा। सही है, विकास के ही नाम पर वोट दिया जाएगा, हम भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा को वोट देना? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, काम नहीं हुआ है। इससे पहले भी महंगाई बहुत थी, उस समय नहीं महंगाई थी, उस समय सर जी वहाँ हो रहा है जहाँ हम एक हमारे 25 पैदा कर रहे हैं तो महंगाई होना ही है। नौकरी सबको कहाँ मिलेगा, प्राइवेट काम ही करना है। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकारी चीज़ें हटाया जाए, उसी में जो है जहाँ 80,000 अध्यापकों को वेतन मिल रहा है वहाँ 4 अध्यापक रखा जाए 20,000 का, काम भी बढ़ जाएगा। और क्यों भाई, लिट्टी का आनंद ले रहे हो, क्या है चुनावी माहौल? तो वोट पड़ रहा बताओ, जात की डेवलपमेंट हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। वोट किन मुद्दों पे पड़ रहा है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं वोट देने के, जो हम लोग का तो वोट आता नहीं है। सर डेवलपमेंट की हम तो यही बोलेंगे, डेवलपमेंट पे दीजिए, जिसको एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, सरकार एम्प्लॉयमेंट दे बच्चों को। और सर एजुकेशन सिस्टम हमारा सही होना चाहिए और हेल्थ सेक्टर सही होना चाहिए, इन सब पे वोट देना चाहिए। क्यों भैया, क्या मुद्दे हैं? सर वोट तो पड़ रहा है, लेकिन जो सरकार योगी जी की उसमें सर नौकरी का कोई बंदोबस्त नहीं है। सर लड़कों की उम्र चली गई और जो भी वैकेंसियाँ आई या तो पेपर लीक हो गया तो मामला ख़त्म हो गया। बच्चे को नौकरी चाहिए सर, एक परिवार को चलाने के लिए जब घर में संपूर्ण पैसा जब आता है तो घर फलता फूलता है, उसे क्राइम नहीं होता है। आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं सर, जब नौकरी हर घर में, जब आदमी को नौकरी लगेगा पैसा घर में आएगा, जब पैसा रहेगा। यहाँ तो लोग कह रहे हैं बहुत डेवलपमेंट हुआ। सर डेवलपमेंट हुआ है कि डेवलपमेंट हुआ किस पे है? रोड पर हुआ है, सड़क पर हुआ है, ओवरब्रिज पर हुआ, फ्लाईओवर पर हुआ है, लेकिन ये दिखाने के लिए विकसित हुआ है। लेकिन ये जो लोगों की ज़रूरतें जो है ना सर, ज़रूरतें किसको कहते हैं? जैसे हमारा खाना पीना उठना, रोजगार भी मुद्दा रहेगा। अरे सर रोजगारी तो मुद्दा है सर, हम कमाएंगे तब रहेगा, इसमें कोई दो रात थोड़ी ना रहेगा।
रोजगार भी मुद्दा रहेगा इस बार। क्यों भाई, किन मुद्दों पर रहा वोट? किन मुद्दों पर? विकास का मुद्दा पड़ेगा, और किस पर पड़ेगा? विकास ही है कि कुछ? भाई कह रहा है कि रोजगार नहीं है, तो वो मुद्दा है, वो भी मुद्दा है। आइए बताइए, बिना बिना इतनी नौकरी पाए वो कोई इतनी करेगा? कितना बेरोजगारी देखना है पहले। अच्छा, मतलब विकास भी है, बेरोजगारी भी है, ये मुद्दे हैं। क्या है मुद्दा? मुद्दा युवाओं को लेके है, और बेरोजगारी तो है ही है, सिंपल सी बात है। और हर किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट लेना चाहते हैं। प्राइवेट भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज़, अभी बहुत सारे यूथ आ रहे हैं स्टार्टअप्स को लेके, वो भी तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप सारी चीज़ें सरकार के भरोसे छोड़ देंगे तो कोई भी चीज़ें चल नहीं पाएंगी। क्यों भाई, गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ है? नहीं बोलोगे? चलिए, खाने में आनंद ले रहे हैं। डेवलपमेंट भी है कि कुछ और है? गोरखपुर की बात कर रहे हैं, गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इसका श्रेय अगर आप मौजूदा सांसद को देंगे और जो भाजपा प्रत्याशी हैं, तो ये गलत होगा। राज्य सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ ने किया, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अगर ये सवाल सांसद जी से पूछा जाए तो शायद उनके पास भी जवाब नहीं है कि हाँ शहर में विकास उनके द्वारा हुआ है। अगल बगल की सीटों पर क्या पोजिशन है? अगल बगल के सीटों पे देखिए, लोग प्रत्याशियों से हैं नाराज, और प्रत्याशी भी ये जान रहे हैं कि वो मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो फैक्टर सबसे बड़ा मोदी ही हैं, और इस बार नो डाउट कि 50-50 का है मुकाबला। और 4 तारीख को जब आएगा तो अंतर, ये जाहिर सी बात है कि 2019 का जो आंकड़ा, जिस वोट के डिफरेंस से लोग जीते थे, वो अंतर जरूर कम होना है। हाँ, लेकिन जीत भी सुनिश्चित है। ऐसा कुछ है क्या? क्या सर, क्या है इस बार मुद्दा? विकास विकास लोग करते हैं, मुझे ये जानना है कि विकास किसको कहते हैं, या विकास का पैमाना क्या होता है। अगर समय के हिसाब से शहरीकरण की तरफ लोग बढ़ रहे हैं तो उसको लोग विकास के वो संज्ञा देते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य क्या, या व्यक्तिगत कितना विकास हुआ है। आपका आर्थिक पैकेज कितना है, मंथली आप कितना कमा ले रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कमाई के नाम पर क्या है? अब ये शहरीकरण, ये जो रोड लाइट वगैरह है, ये सब तो नगर निगम के चुनावी मुद्दे हैं, इसको आप विकास की संज्ञा देते हैं यहाँ के लोग? अब विकास होना ही होना है। अरे 2014 में कुछ और था, 2019 में कुछ और है, 2024 में कुछ और है, 5 साल बाद आप पत्रकार भाई साहब आएंगे, 5 साल बाद माहौल कुछ और रहेगा। लेकिन मुद्दा डेवलपमेंट है, लेकिन उसकी परिभाषा अलग है। अब परिभाषा अलग है, हम चाहते हैं कि अब व्यक्ति का भी विकास हो, कमाई का जरिया बढ़े, स्रोत बढ़े, पढ़ाई लिखाई मजबूत हो। है ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पर बढ़ी है, पेट्रोल डीजल ये सब इतने महंगे हो रखे हैं कि आदमी को सोचना पड़ता है। बस दिन भर मोबाइल के लेके रील्स देख रहा आदमी, 1 GB डेटा 2 GB डेटा मिल रहा है, उसको खपा रहा है, डेटा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, इसी सब में उलझा हुआ है, इसी में उलझा हुआ है। तो युवाओं के मन में बहुत कुछ है, डेवलपमेंट तो एक मुद्दा है ही यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो रोजगार को लेकर है, उनका कहना है विकास हो रहा है लेकिन रोजगार जो है उधर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर।